आज की इस वीडियो का एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको पूरी वीडियो के अंदर परेशान करेगा, और वो ये कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इस तरीके की चीज को कैसे अलाउ कर सकता है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया और वीडियो देखने के बाद आपको भी समझ नहीं आएगा। आप भी कहेंगे कि क्यों, कहे मैं भी ये रहा हूं कि क्यों क्यों आपकी उंगलियां लाइक बटन के ऊपर नहीं जाती, मुझे तो समझ नहीं आता। आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूं, खैर मन करे तो दबा देना वरना मत दबाना। लेट्स डाइव इन। इस पूरे केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के टेक्सस में जाना पड़ेगा, और समय था सन 2001 का, जब इसी टेक्सस के एक बेघर लोगों के लिए बने हुए शेल्टर के अंदर 37 साल का ग्रेग बिक्स नाम का ये बंदा अपनी जिंदगी किसी ना किसी तरीके से काट रहा था। इस बेघर लोगों के लिए बने हुए शेल्टर के अंदर तो ग्रेग अकेला रह रहा था, बट उसकी जिंदगी में और भी लोग थे, जैसे कि उसकी पत्नी जो कि उसे छोड़कर जा चुकी थी अपने बेटे को साथ में लेकर। उसके बेटे की भी उम्र अब तकरीबन 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी, लेकिन जब भी टाइम मिलता ग्रेग अपने बेटे से मिलने के लिए भी जाता, बट उसकी पत्नी को यह चीज पसंद नहीं थी कि उसका पिता यानी कि ग्रेग अपने बेटे ब्रैंडन से मिलने के लिए आए। ग्रेग की पत्नी उसे सिर्फ इसलिए छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि ग्रेग धीरे 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 अपना काम धंधा बंद करता जा रहा था। उसके पास जो भी था, उसके पास जितना भी पैसा था, वो उसके हाथों से खत्म होता जा रहा था, और उसकी पत्नी को उसके अंदर कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं दिया। उसने अपना सारा तामझाम पैक किया, अपने बेटे को अपने साथ में लिया और उसे छोड़कर वहां से जा चुकी थी। अपनी पत्नी के इस तरीके से जाने की वजह से ग्रेग खुद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब जिंदगी में क्या करेगा, क्यों उसकी पत्नी उसे सिर्फ पैसों के लिए छोड़कर जा चुकी थी। खैर उसने थोड़ी मेहनत करनी शुरू करी, लेकिन अब ग्रेग को बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा था। उससे जो भी मिलने आता, जो भी कोई उसका नया दोस्त बनता, ग्रेग उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता किसी भी तरीके से। बस वो पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की, वो पर्सन बस उससे जुड़कर रहे, उसको कभी अकेला फील ना होने दे, और इसके लिए ग्रेग कुछ भी करने के लिए तैयार था। ध्यान रहे ये सारी बातें तकरीबन 1998 के आसपास की थी, और 1999 में ग्रेग एक महिला से मिला, और ये महिला जल्दी ही ग्रेग के बहुत ज्यादा क्लोज भी आ चुकी थी। एक्चुअल में ग्रेग उस टाइम पर नौकरी कर रहा था, उसके पास खुद का घर भी था, और वो अपने आप की जिंदगी चलाने के लिए किसी भी तरीके से बहुत बहुत मेहनत कर रहा था। खैर जैसे ये महिला ग्रेग को मिली, ग्रेग को लगा कि हाँ हो सकता है इसके साथ उसका फ्यूचर बन जाए, आगे जाकर वो इससे शादी वादी कर ले, जिसके चलते ग्रेग उस महिला का सारा खर्चा भी उठाने लगा। धीरे धीरे उस महिला ने ग्रेग से उसका सारा पैसा मांगना शुरू कर दिया। अब आप सोच कर देखिए ग्रेग का दिल कैसा था, ग्रेग उस औरत के लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। उस महिला ने कहा कि तुम मुझे अपना घर बेचकर पैसा ला कर दो, मुझे अर्जेंटली चाहिए है। ग्रेग ने उससे पूछा तक नहीं कि तुम्हें आखिर क्यों चाहिए है, तुम बता तो दो, मैं तुम्हें वैसे ही पहले हर महीने इतना पैसा देते आया हूं, लेकिन अभी भी तुमको और चाहिए है। बट ग्रेग ने नहीं पूछा, ग्रेग सीधा एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, वहां अपना घर बेचा और सारा का सारा जितना भी पैसा उसे मिला वो सारा लाकर उस महिला को दे दिया, जिसके बाद वो महिला ग्रेग की जिंदगी से लगभग गायब ही हो गई। लगभग क्या, पूरी ही गायब हो गई। उसके बाद उस महिला ने ग्रेग के फोन उठाने बंद कर दिए। ग्रेग उसके घर पर भी जाता बट वो अपना घर छोड़कर कहीं और जा चुकी थी, ग्रेग को कोई अंदाजा नहीं था। तब ग्रेग को एहसास हुआ कि हो सकता है वो इस ठगी का शिकार हो गया है, और उस लड़की के चक्कर में उसने अपना घर तक बेच डाला। खैर अब उसके सर पर छत नहीं थी, नौकरी उसके पास करने के लिए कोई खास थी नहीं, मजबूरी में बेचारे ग्रेग को एक बेघर लोगों के लिए बने हुए शेल्टर के अंदर रहना पड़ा, उसी के अंदर अपनी जिंदगी चला रहा था। अपनी जिंदगी के अंदर इतनी दिक्कतें देखने के बाद भी, इतने धोखे खाने के बाद भी ग्रेग अभी भी पॉजिटिव था। वो सोच रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, ये बुरा टाइम है, ये भी निकल जाएगा, इतना बुरा टाइम मैंने पहले ही देखा है, ये उसके आगे कुछ भी नहीं। ग्रेग ने फिर से कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू करी, उससे थोड़ा बहुत पैसा जमा करना शुरू किया, लेकिन वो इतना पैसा नहीं था कि वो एक अलग से घर दोबारा खरीद सके। जो मोटा पैसा था वो तो वो लड़की उसे ठग कर जा चुकी थी। 27 अक्टूबर 2001 का दिन आ चुका था। इसी एरिया में रहने वाले दो लड़के सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले, सुबह सुबह जॉगिंग वॉकिंग करने के लिए। जैसे ही वो अपने घर के पास बने द कॉप पार्क के अंदर पहुंचे, एक्चुअल में उस टाइम पर पार्क के अंदर कुछ खास लोग मौजूद नहीं थे, बहुत ही बड़ा पार्क वहां पर मौजूद था इस इलाके में, और ज्यादातर लोग तकरीबन 9 बजे के आसपास इस पार्क के अंदर घूमने आया करते थे, लेकिन ये लड़के सुबह तकरीबन 5:30 बजे ही इस पार्क के अंदर पहुंच चुके थे। और जैसे ही ये दोनों एक साथ इस पार्क के अंदर राउंड लगा रहे थे, तभी वो एक पर्टिकुलरली बेंच के ऊपर पहुंचे, और उन्होंने देखा इस बेंच को दूर से ही कि इसके ऊपर एक अजीब सी चीज कुछ पड़ी हुई है। जैसे वो इसके पास गए वो बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या सच में ये सच है भी या नहीं। वो इतने ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने अपनी वॉकिंग वगैरह सब बीच में छोड़ा, वो सीधा भाग कर नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए और वहां जाकर बताया कि जनाब आप सीधा कॉप पार्क में चलिए, वहां पर एक बहुत ही अजीब सी चीज पड़ी हुई है, एक कंबल के अंदर लिपटी हुई, और आपको वो चीज देखनी चाहिए। पुलिस वालों ने पूछा कि बताओ तुमने क्या देखा।
रहा है। लड़कों ने कहा, जनाब हमें समझ नहीं आ रहा कि जो हमने देखा है वो सच भी है नहीं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना चाहिए। पुलिस वालों ने कहा कि हो सकता है इस पार्क के आसपास काफी सारे नशेड़ी लोग रात को माल वगैरह पीकर सेट होकर दारू वगैरह पीकर इसी पार्क के बेंचों पर सो जाते हैं अपनी रातों को काटने के लिए, तो हो सकता है कोई ऐसा ही आदमी उस बेंच पर सोया हुआ होगा जिसको देखकर तुम डर चुके हो। लेकिन उन दोनों लड़कों ने कहा, नहीं जनाब, एक नशेड़ी और एक आम इंसान के अंदर हमें फर्क दिखाई देता है और जो हम देख कर आए हैं वो कुछ और ही है और आपको हमारे साथ चलना चाहिए। पुलिस वालों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी चलते हैं। पुलिस वालों की एक टीम गाड़ी के अंदर बैठी और सीधा इन पुलिस वालों की गाड़ी चाऊ चाऊ करते हुए इस कॉप पार्क तक पहुंची और वहां पर दो पुलिस वाले गाड़ी से उतरे, साथ इन दोनों लड़कों को लिया। ये चारों लोग अब इस पार्क के अंदर गए और वहां जाकर लड़कों ने दिखा दिया कि जनाब आप उस बेंच की तरफ जाइए, वहां जाकर देखिए आपको कुछ मिलेगा। तो जैसे ही ये दोनों पुलिस वाले उस बेंच की तरफ जा रहे थे, तकरीबन ये 150 से 200 फीट अभी दूर थे, तब इन दोनों पुलिस वालों ने नोटिस किया कि ना सिर्फ उस बेंच के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है बल्कि इस बेंच तक एक बहुत ही गहरे निशान गाड़ी के इस पूरे के पूरे रास्ते पर लगे हुए हैं। और ना सिर्फ रास्ते पर है बल्कि जो साइड में घास थी इस पार्क की, इस घास के अंदर भी उस गाड़ी को चलाया गया था। ये गाड़ी के टायरों के बहुत ही गहरे निशान सीधा उस बेंच तक जा रहे थे। खैर, उन निशानों का पीछा करते करते दोनों पुलिस वाले उस बेंच तक पहुंचे और जैसे ही वो तकरीबन 5 से 10 फीट उस बेंच से दूर थे, उन्होंने देखा कि इस बेंच के ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसको कंबल में लपेट कर अंदर रखा गया है। लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात थी, इसको देखकर वो दो लड़के इतने ज्यादा डरे क्यों? खैर, दोनों पुलिस ऑफिसर उस बेंच के और पास गए, वहां जाकर उस कंबल को हटाया, देखने लगे और जैसे उनका ध्यान उसके पैरों की तरफ गया और उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ गया, इन्होंने वापस कंबल ढक दिया, तुरंत एम्बुलेंस वालों को फोन किया और एम्बुलेंस में उस लाश को लोड करके सीधा वहां के नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। एक्चुअल में इस लाश का इतना ज्यादा बुरा हाल था कि पुलिस वालों ने अपने पूरे करियर के अंदर ऐसी लाश नहीं देखी थी। ना सिर्फ इस लाश का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, हर जगह चोटों के निशान थे, बल्कि इस लाश का एक पैर बिल्कुल टूटा हुआ था और दूसरा पैर तो उससे भी बुरे हालातों में सिर्फ लटक रहा था। वो जगह जगह से टूट कर लगभग पूरा खुला हुआ था, उसकी हड्डियां टूट टूट कर नीचे गिरी हुई थी। इस व्यक्ति के पूरे शरीर के अंदर खून लगभग ना के बराबर ही मौजूद था। पुलिस वालों को यह समझ नहीं आया कि आखिर इतना भयंकर सीन इस लाश के साथ कैसे हुआ। खैर, उस लाश को हॉस्पिटल भेजने के बाद दोनों पुलिस वालों ने आसपास इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि अगर इस व्यक्ति का मर्डर हुआ है तो यहाँ आसपास कहीं भी ना तो कहीं लड़ाई के निशान है और ना ही कहीं खून गिरा हुआ है। अब आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति के दोनों पैर लगभग खुले हुए हैं, उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, तो कहीं तो खून के छींटे, कहीं तो खून की बूंदें उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन पूरे पार्क के अंदर उनको कहीं भी खून दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उस बेंच के अलावा। और साथ ही पुलिस वालों को वो गाड़ी के टायरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि इस व्यक्ति को कहीं और मारा गया था, जिसके बाद मारकर इसकी लाश को गाड़ी के अंदर लोड किया गया और वो गाड़ी सीधा पार्क के अंदर लेकर आए जो भी इसके किलर थे, और पार्क के अंदर लाकर इसकी लाश को जस्टिस बेंच के ऊपर डंप कर दिया गया और डंप करके वो वहां से भाग गए। सिंपल। अब पुलिस वालों का सबसे पहला काम था कि इस व्यक्ति की पहचान करे और दूसरा इसके बाद इसके मर्डर का मोटिव पता करे और तीसरा इसके किलर्स को पकड़े। बट ये सारे काम करना पुलिस वालों के लिए कोई हलवा नहीं था। इसके अंदर पुलिस वालों का पूरा गला सूखने वाला था इस केस की तहकीकात करते हुए। पुलिस वालों ने पार्क के अंदर रेगुलर आने वाले लोगों से भी इंटरव्यू लिया, उनसे भी पूछा कि बताओ ये आदमी कौन हो सकता है, क्या तुम इसे जानते हो या फिर कहीं पहले इसको इस पार्क के अंदर यहां देखा है। लेकिन सभी ने मना कर दिया। किस्मत से यहां इस पार्क के अंदर काफी सारे सीसीटीवीज लगे हुए थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने उन सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला तो रात का इतना घना अंधेरा था जब वो गाड़ी यहां पर आई थी कि ना ही तो सही से गाड़ी और ना ही इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग सही से सीसीटीवी के अंदर कैप्चर हो पाए, जिससे पुलिस वालों को सीसीटीवी से भी कुछ खास मदद नहीं मिली। अब फिर से पुलिस वालों के हाथ खाली थे। अब क्योंकि पुलिस वालों के कुछ हाथ लग नहीं रहा था, कोई भी इस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पा रहा था, कहीं किसी पुलिस स्टेशन के अंदर इस व्यक्ति से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई थी, तो मजबूरी में पुलिस वालों को इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे कर यह केस ठंडा पड़ता गया। 27 अक्टूबर के दिन पुलिस वालों को ये लाश मिली थी। तकरीबन 4 महीने बीत चुके थे, फरवरी 2002 का समय आ चुका था। तो तकरीबन 4 महीनों के बाद वहां की पुलिस के पास एक मिरांडा नाम की महिला का कॉल आया और उस कॉल करने वाली महिला ने पूछा कि जनाब क्या आपको तकरीबन 4 महीनों पहले उस पार्क के अंदर लाश मिली थी, उस केस के बारे में आपने क्या किया? पुलिस वालों ने कहा हमें कुछ पता नहीं चला, सो हमने उसको वहीं पर क्लोज कर दिया। लेकिन उस महिला ने बताया कि जनाब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप वहां पर जाकर
देखिए आपको जरूर कुछ ना कुछ इस केस से रिलेटेड मिलेगा। पुलिस वालों ने कहा कि क्या मिलेगा आप हमको एग्जैक्टली बताइए। उस महिला ने पूरी की पूरी स्टोरी पुलिस वालों को समझाई, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उसकी स्टोरी समझ रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि हैं तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो और हम तुम्हारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो तुम हमें बता रही हो वो सच हो ही नहीं सकता। लेकिन उस महिला ने कहा, यानी कि मिरांडा ने कहा कि जनाब आप एक बार मेरे कहने पर उस एड्रेस पर जाकर देखिए और जो जो मैंने कहा है आपको वो वहां सब कुछ मिलेगा। पुलिस वालों ने कहा ठीक है हम जाकर देखेंगे, जब हमें तुम्हारी स्टोरी के ऊपर विश्वास होगा या फिर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम होगा तब हम देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जो तुम बता रही हो वो कभी सच में हो सकता है। खैर ये बात कहकर पुलिस वालों ने फोन रख दिया और रैंडमली सभी पुलिस वाले इस बताई गई स्टोरी के ऊपर डिस्कस करने लगे। तब दो पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, उस महिला ने कहा है इतने श्योरिटी के साथ, तो हम एक बार जाकर बस चेक कर लेते हैं कि जो वो कह रही है उसके अंदर कितनी सच्चाई है। अगर कुछ भी सच्चाई नहीं मिली तो हम उसे पकड़कर झपकर जेल के अंदर डाल देंगे पुलिस वालों का टाइम वेस्ट करने के लिए। और जैसे ही वो दोनों पुलिस वाले इस एड्रेस पर पहुंचे और वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उनको समझ आ चुका था कि जो उनको उस कॉल पर बताया गया था उस मिरांडा नाम की महिला द्वारा, वो सब कुछ सच था। और यकीन मानिए इसके बाद जो बहुत ही भयंकर स्टोरी निकल कर सामने आई, इससे ज़्यादा दुखदायी चीज़ मैंने बहुत बहुत कम देखी है। आपको भी सुनकर रोना आ जाएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि उस कॉल करने वाली महिला ने इस मरे हुए व्यक्ति की पहचान भी बता दी थी पुलिस वालों को कि ये मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्रेग बिग्स है और आप इसके परिवार वालों से भी मिल सकते हैं, उनका एड्रेस भी दिया। खैर वापिस चलते हैं पिछले 4 महीनों पहले और बात करते हैं 25 अक्टूबर 2001 की, यानी कि तकरीबन 36 से 40 घंटों पहले, जब पुलिस वालों को उस पार्क के अंदर ग्रेग की लाश मिली थी। खैर 25 अक्टूबर की शाम को इसी इलाके में रहने वाली एक 22 साल की नर्स जिसका नाम शॉन्टे था, वो अपने घर से बाहर निकली और सीधा अपनी एक दोस्त टी फ्राई के घर पर गई। और अब ये दोनों दोस्त यानी कि टी फ्राई और शॉन्टे अपने ही घर के अंदर बैठकर आराम से बातें बातें करने लगी। एक्चुअल में इन दोनों की दोस्ती तकरीबन 2 साल पुरानी थी। 1999 में ये दोनों ही नर्स एक्चुअल में एक हॉस्पिटल के अंदर काम करते हुए आपस में मिली थी और उसके बाद से ही दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती गई। टी फ्राई की एक शादी टूट चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रह रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी जिंदगी में क्या करे। दूसरी तरफ शॉन्टे जो कि अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनती एक लड़की साबित हो रही थी, वो अपने पेरेंट्स को सारी खुशियां देना चाह रही थी, इतना कमाना चाहती कि बस वो अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रख सके, और ऐसा सिर्फ उसके पेरेंट्स को लग रहा था, जबकि असल में शॉन्टे उनके खिलाफ हो चुकी थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आज तक वो अपने पेरेंट्स की बातें क्यों मानती आई है, वो उसको इतने टाइम से कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके बाद से ही जैसे ये दोनों लड़कियां आपस में मिली उसी हॉस्पिटल में, इन दोनों ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। हर टाइप के नशे पते इन्होंने फूंकने शुरू कर दिए और हद तो तब हो गई जब इन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू करी। और यहां तक कि क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि दोनों लड़कियां सुबह सुबह अपने कमरों के अंदर अपने हाथों में वो ड्रग्स वाले इंजेक्शन मार के हॉस्पिटल जाया करती थी, वहां पर जितने भी पेशेंट्स होते उनको नशे की हालतों में दोनों लड़कियां हैंडल कर रही थी। काफी लंबे टाइम से इन दोनों का यही चल रहा था। हॉस्पिटल से आने के बाद ये दोनों लड़कियां किसी ना किसी पार्टी के अंदर घुस जाती, वहां इनको कोई ना कोई मिल जाता, उसके साथ बैठकर दारू पी ली, नशे पते फूंक लिए, पूरे तरीके से सेट होकर भंड होकर अपने अपने घर जाकर आराम से अपनी चद्दर तान कर सो जाना, ये इनका काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा था। खैर 25 अक्टूबर 2001 का दिन आ चुका था। दोपहर होते होते इन दोनों की ड्यूटी नौकरी खत्म हो चुकी थी, ये दोनों अपने अपने घर गई। 1 घंटे बाद इन्होंने वापस मिलने का तय किया। शॉन्टे अपने घर पर रेडी हो चुकी थी, टी फ्राई अपने घर पर रेडी हो रही थी। शॉन्टे अपनी गाड़ी में बैठी, वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा टी फ्राई के घर पर पहुंची। एक्चुअल में टी फ्राई भी अब उसके साथ बैठकर पैसेंजर सीट पर बैठकर ये दोनों अब शाम का प्लान करने वाले थे कि आखिर उनको शाम को क्या करना है। इससे पहले कि ये दोनों प्लान बना पाती, शॉन्टे और टी फ्राई ने दोनों ने डिस्कस किया कि क्यों ना हम पहले यहीं पर थोड़ी सी ड्रग्स वगैरह ले लें। इन्होंने सबसे पहले एक्सटेसी पिल्स ली। अब आपको ये नहीं पता होगा कि एक्सटेसी पिल क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके की नशे पते की ही गोलियां होती हैं। ये ड्रग्स ही हैं एक टाइप की, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ये दिखने में बच्चों के खाने पीने की गोलियां हो सकती हैं, बट इनसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखें, आपके लिए सेफ रहेगा। खैर अच्छे तरीके से गाड़ी में ही सेट होने के बाद शॉन्टे ने अपने बॉयफ्रेंड क्लीट को फ़ोन किया और उसको कहा कि एक काम करो, ये जो पास ही में जॉयज़ का जो क्लब है इस क्लब के अंदर आ जाओ और वहीं पर हम मिलेंगे, और रात को मैं वापस टी फ्राई को अपने घर छोड़ दूंगी और क्लीट और शॉन्टे वापस अपने घर पर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी रात बिताएंगे। क्लीट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंजॉय करेंगे, तुम आ जाओ, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। यहां से शॉन्टे और टी फ्राई दोनों शॉन्टे की गाड़ी के अंदर बैठकर उस जॉयज क्लब में पहुंचे। वहां से क्लीट भी अपनी गाड़ी लेकर उस क्लब के अंदर आ चुका था। तीनों लोग आपस में मिले, तीनों ने अच्छे से वहां पर डांस वांस किया, जिसके बाद शाम गहरी होती गई, महफिल पूरी जमती गई, जाम पर जाम अंदर जा रहे थे, गांजे की बीड़ियां भर भरकर ये तीनों लोग आराम से फूंक रहे
रहे थे। तीनों का प्लान सेट था, टी फ्राई वापस अपने घर चली जाएगी, शॉन्टे अपने इस बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर पर आएगी और वहां पर ये रात को थोड़ा सा रंगीन बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये प्लान पूरा हो पाता, उससे पहले ही शॉन्टे का ये बॉयफ्रेंड क्लीट किसी और लड़की के पास जाकर आराम से ठुमक रहा था उसके साथ। और जैसी ये चीज शॉन्टे ने देखी, शॉन्टे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ कि ये आया तो मेरे साथ है, रात भी मेरे साथ बिताएगा, ये ठुमके किसी और के साथ लगा रहा है। ये सीधा उठकर क्लीट के पास गई, उससे पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन क्लीट ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो उस लड़की को वहां से पकड़कर उसका हाथ शॉन्टे के सामने ही उस क्लब से बाहर जा चुका था। जिसके बाद शॉन्टे ने दोबारा क्लीट को फोन करने की कोशिश करी, लेकिन क्लीट ने फोन ही नहीं उठाए। अब यहां शॉन्टे समझ चुकी थी कि वो डंप हो चुकी है, उसका बॉयफ्रेंड किसी और ही लड़की के साथ भग लिया, अब वो रात को नहीं आने वाला। शॉन्टे अंदर ही अंदर रोए जा रही थी, अब उसको और ज्यादा दारू पीनी थी। वो टी फ्राई के पास गई, उसको बोलने लगी कि मुझे और ज्यादा नशे करने हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं अपने इस बॉयफ्रेंड से। दोनों ने मिलकर फिर से बहुत गंदी दारू पी। अब तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। अब 2 बज चुके हैं तो ऑब्वियसली वो क्लब भी क्लोज होगा, तो क्लोज होने की अनाउंसमेंट वहां हो चुकी थी। जिसके बाद टी फ्राई और इस शॉन्टे ने डिस्कस किया कि हाँ चलो यार वापस घर चलते हैं। शॉन्टे ने कहा कि हाँ टी फ्राई, मैं तुमको तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी और जिसके बाद मैं वापस अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चली जाऊंगी। दोनों गाड़ी के अंदर बैठ चुकी थी, लेकिन जैसे ही टी फ्राई ने देखा कि शॉन्टे बहुत ज्यादा रो रही है, वो काफी ज्यादा नशे में भी है, टी फ्राई ने कहा कि एक काम करो, तुम पैसेंजर सीट पर आओ, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम सही से गाड़ी चला पाओगी। शॉन्टे आकर वापस पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी, टी फ्राई ने गाड़ी ड्राइव करी और वो गाड़ी ड्राइव करके सीधा अपने ही घर पहुंची। अपने घर पहुंचते ही टी फ्राई उस ड्राइवर सीट से बाहर निकली, शॉन्टे वहां से निकल कर वापस ड्राइवर सीट पर बैठी और टी फ्राई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम वापस घर तक सही से गाड़ी चला पाओगी क्योंकि तुम्हारा हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर ही रुक जाओ। शॉन्टे ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो नशे में भी नहीं हूँ मैं आराम से अपनी गाड़ी चला लूँगी घर तक, कोई दिक्कत मत लो तुम। टी फ्राई ने कहा ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, सुबह मिलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये बोलकर टी फ्राई वापस अपने घर में जा चुकी थी। अब शॉन्टे वहां से अपने घर के लिए निकल चुकी थी, जिसके तकरीबन 1 से 1.25 घंटे बाद टी फ्राई का फोन दोबारा बजा। जैसे ही नींदों से हटकर टी फ्राई ने अपना फोन वो देखा, ये कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि शॉन्टे ही थी। तो शॉन्टे का कॉल देखकर टी फ्राई ने कॉल उठाया और पूछने लगी कि हाँ भाई बता क्या हुआ है। यहाँ शॉन्टे बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, उसने कहा कि यार मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या हो गया, बस एक काम करो तुम मेरे घर पर आ जाओ। अब टी फ्राई उसे पूछ रही है कि अरे बता तो दे हुआ क्या है, मैं आकर करूं क्या। शॉन्टे यहां कुछ भी बताने से मना कर रही थी, वो बार बार बस ये बोल रही थी कि तुम कुछ भी करके सीधा अभी मेरे घर पर आ जाओ। टी फ्राई ने कहा ओके ओके शांति रख, बस मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रही हूं। टी फ्राई ने वापस अपने कपड़े पहने, चप्पल जूते डालकर अपने घर से बाहर निकली, अपनी गाड़ी उसने स्टार्ट करी और सीधा शॉन्टे के घर पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, शॉन्टे ने दरवाजा खोला, टी फ्राई घर के अंदर गई, शॉन्टे से पूछने लगी कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है। शॉन्टे ने बताया कि तुम मेरे साथ चलो। वो सीधा उसको अपने किचन के अंदर लेकर गई और किचन के अंदर एक दरवाजा उसका बना हुआ था, जो दरवाजा सीधा उसके गैराज में खुलता था। और जैसे ही टी फ्राई के साथ शॉन्टे ने उस गैराज वाले दरवाजे को खोला, किचन के अंदर से ही गैराज की लाइट्स ऑन करी, अंदर गैराज के शॉन्टे की गाड़ी खड़ी हुई थी। अब टी फ्राई वापिस शॉन्टे से पूछ रही है कि तुम मुझे दिखाना क्या चाह रही हो। शॉन्टे ने कहा कि तुम एक बार अंदर तो जाओ गैराज में, तुम्हें दिख जाएगा। टी फ्राई शॉन्टे को पीछे करते हुए गैराज के अंदर गई और अंदर का हाल देखकर उसको समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ भसड़ क्या मची है। इस गैराज के अंदर शॉन्टे की गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो चुकी थी। और ना सिर्फ एक्सीडेंट थी, बल्कि उस गाड़ी का जो आगे वाला शीशा था, वो शीशा पूरा टूटा हुआ था और उस शीशे के अंदर एक आदमी कुछ इस तरीके से फंसा हुआ था। लिटरली उसका सारा का सारा शरीर खून के अंदर, उसके हाथ पूरे गाड़ी में अगले वाली सीट पर, उसके दोनों के दोनों पैर बोनेट पर, और वो बेचारा करहा रहा था, मदद के लिए गुहार लगा रहा था। ये चीज देखकर टी फ्राई शॉन्टे की तरफ देखने लगी और पूछने लगी कि ये क्या बीमारी है, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शॉन्टे ने बताया कि जब मैं वापस आ रही थी तुमको ड्रॉप करके अपने घर पर, तब मेरी गाड़ी की स्पीड मुझे नहीं पता कितनी थी, मैं नशे में थी, मुझसे गलती से गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और ये आदमी मेरे सामने आ गया और सीधा मैंने मेरी गाड़ी इस आदमी के अंदर टक्कर मारी और यह आदमी उड़कर सीधा इस शीशे को तोड़ते हुए कुछ इस तरीके से अंदर आ घुसा और इसको भयंकर चोटें भी लगी हैं, इसके दोनों पैर भी टूट चुके हैं। टी फ्राई शॉन्टे से पूछ रही थी कि क्या ये आदमी जिंदा भी है। नहीं, शॉन्टे ने कहा, ऑब्वियसली जिंदा है, ये अभी तक तो मुझसे मदद मांग रहा था। तो टी फ्राई ने शॉन्टे से कहा कि तुमने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, तुमने अभी तक एम्बुलेंस वालों को कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन शॉन्टे ने कुछ भी करने से मना कर दिया, उसने कहा ना तो पुलिस वालों को बुलाना, ना ही एम्बुलेंस वालों को बुलाना। अब जो आप आगे की कहानी सुनेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों क्यों हुआ।
इस चीज का मतलब क्या था। दोनों ये लड़कियां खड़ी होकर अब सोच रही थी कि आखिर आगे उन्हें क्या करना है, जिसके बाद शॉन्टे ने कहा कि मैं एक बार उस क्लीट को फोन करती हूँ, क्या पता वो हमारी हेल्प कर दे। क्लीट को शॉन्टे ने फोन किया, तकरीबन अब सुबह ही होने वाली थी। अभी भी वो आदमी जो इस गाड़ी के अंदर बेचारा मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा था, वो अभी भी चिल्लाए जा रहा था, वो अभी भी बोल रहा था कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं जिंदा बच जाऊंगा और मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन इन दोनों ने बजाय मदद करने के उस चटपटे को फोन किया, क्लीट ने फोन उठाया और कहा कि हाँ बताओ भाई क्या बीमारी है। शॉन्टे ने कहा प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ, मेरे घर पर, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लीट अपनी गाड़ी लेकर शॉन्टे के घर पर पहुंचा, अंदर जाकर वही उसको हाल दिखाया। क्लीट भी बहुत ज्यादा डर चुका था, ये क्लीट पहले ही चोरी चकारी के चक्कर में कई बार जेल में जा चुका था, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे इस चक्करों में नहीं फंसना और ना ही मैं अब तुम्हारी इसमें कुछ हेल्प करूंगा, मुझे दोबारा जेल नहीं जाना। लेकिन शॉन्टे ने कहा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसके साथ क्या करूं। तब क्लीट ने कहा ठीक है, हम कुछ सोचते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, दो लड़कियां एक लड़का यहां पर खड़े हैं इस घर के अंदर, और एक आदमी जो कि इनकी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है, जिसके दोनों पैर टूट चुके हैं, हाथ भी टूट चुके हैं और जल्दी ही उसकी मौत होने वाली है। लेकिन इन दोनों ने ना ही पुलिस वालों को फोन किया, ना ही हॉस्पिटल में फोन किया, ना ही एम्बुलेंस को बुलाया, कुछ भी नहीं किया। जस्ट इन्होंने सोचा कि हम बस इस लाश को रैप करके कहीं डंप कर देते हैं, ताकि इसके फैमिली वाले इसकी पहचान करके इसका अंतिम संस्कार कर सकें। इन तीनों के तीनों कुरकुरों को ये एक बार भी ख्याल नहीं आया कि एक बार तो इसकी मदद करें, ये आदमी आखिर है कौन, कहना क्या चाह रहा है, इसका भी तो परिवार होगा और क्या पता इसकी मदद करने से आदमी बच जाए। लेकिन इन तीनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन तीनों ने अपना पूरा जोर लगाकर वो बेचारे के पैर जो पहले ही टूटे हुए थे, वो नीचे लटक रही थी उसकी हड्डियां, दोनों पैर ऐसे लटक रहे थे जैसे आप रबड़ से कुछ चीज बांधते और वैसे हिलती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही दोनों पैर बेचारे ग्रैग के हो चुके थे। खैर इन तीनों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, इन तीनों ने उसके दोनों पैरों को ही पकड़कर उसकी पूरी लाश को बाहर निकाला और बजाय हॉस्पिटल लेकर जाने के उसको एक कंबल में लपेटा। क्लीट ने अपनी गाड़ी के अंदर उस लाश को रखा और सीधा ये तीनों कॉप पार्क में गए, वहां पर गाड़ी सीधा अंदर ही घुसा दी और उस बेंच पर ले जाकर कंबल समेत ही इस ग्रैग को उस बेंच के ऊपर रख दिया, जिसके बाद ये तीनों वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से निकल चुके थे और आराम से आकर क्लीट अपने घर जा चुका था। टी फ्राई और शॉन्टे टी फ्राई के घर पर पहुंच चुके थे, वहां पर जाकर आराम से सोए क्योंकि इनको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। अब आप यहां पर सोच कर देखिए, शॉन्टे ने आखिर किया क्या। जिस पॉइंट पर इस शॉन्टे ने अपनी गाड़ी ग्रैग के अंदर घुसाई थी और जिसके बाद ये ग्रैग उड़कर इसकी गाड़ी के अंदर आ घुसा, उस पॉइंट से तकरीबन सिर्फ आधा मील दूर एक पुलिस स्टेशन मौजूद था। ये सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव करके उस पुलिस स्टेशन में जा सकती थी, वहां इस बेचारे ग्रैग को कोई ना कोई हेल्प मिल जाती, लेकिन नहीं, ये नहीं गई। इसके अलावा इस पॉइंट से तकरीबन 3 मील दूर एक फायर स्टेशन था और वहां के लोग जो फायर डिपार्टमेंट में होते हैं वो मेडिकली सारे ट्रेंड होते हैं, उनको पता है कि फर्स्ट एड वगैरह कैसे दी जाती है, तो वो लोग भी यहां शॉन्टे की मदद कर सकते थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसी फायर डिपार्टमेंट में उस टाइम पर शॉन्टे का सगा भाई ऑन ड्यूटी था रात को उस टाइम पर, वहां जाकर वो अपने भाई से भी मदद ले सकती थी बेचारे इस ग्रैग को बचाने के लिए। लेकिन शॉन्टे ने वो भी नहीं किया, वो वहां पर भी अपनी गाड़ी को लेकर नहीं गई। इसके अलावा जिस रास्ते से होकर ये शॉन्टे अपने घर जा रही थी, उस रास्ते में ही बीच में 9 पेफोन बूथ मौजूद थे। अगर आपको नहीं पता कि पेफोन बूथ क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर इमरजेंसी नंबर डायल करने के लिए पेफोन बूथ अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। अगर कोई भी इमरजेंसी, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति जाकर इन पेफोन बूथ से इमरजेंसी नंबर डायल कर सकता है, पुलिस वालों को या फिर एम्बुलेंस वालों को तुरंत ही बुला सकता है मौके पर। लेकिन इन 9 पेफोन बूथ को भी शॉन्टे क्रॉस करते हुए सीधा वहां से निकल गई और अपने घर पहुंची। और इससे भी बड़ी हद तो यहां ये थी कि ये शॉन्टे खुद एक नर्स थी, ये और पेशेंट्स को हैंडल करती थी इस तरीके से, एक्सीडेंट से जो होकर उस हॉस्पिटल में भर्ती होते थे उन तरीकों के पेशेंट्स को इसको अच्छी तरीके से हैंडल करना आता था। लेकिन शॉन्टे ने वो भी नहीं किया, ये अच्छे तरीके से बेचारे ग्रैग की जान बचा सकती थी, इसको पता था कि किस तरीके से यहां इन हड्डियों को जोड़कर रखना है, किस तरीके से इसको इलाज करना है, लेकिन यहां इसने नहीं किया। अब चलो ये तो थी शॉन्टे की गलती। जब ये टी फ्राई शॉन्टे के घर पर पहुंची, उस टाइम पर भी ये ग्रैग जिंदा था, ये मदद की गुहार लगा रहा था, ये दोनों खुद नर्स थी, ये दोनों मिलकर अब इसकी मदद कर सकती थी, यहां इसको बचा सकती थी। लेकिन इन दोनों ने भी नहीं किया, ये दोनों मिलकर पुलिस वालों को फोन कर सकती थी, लेकिन वो भी नहीं किया। बजाय पुलिस वालों को फोन करने के उस कुरकुरे को बुला लिया, क्लीट मौके पर आया। अब ये क्लीट भी पुलिस वालों को फोन कर सकता था, एम्बुलेंस बुला सकता था, लेकिन इसने भी कुछ नहीं किया। बजाय कुछ करने के इन्होंने जिंदा ही व्यक्ति को लपेट कर
उस बेंच पर ले जाकर डंप कर दिया। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि जिस टाइम पर पुलिस वालों को ये लाश मिली उससे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही इस व्यक्ति की मौत हुई थी। यानी कि ये साफ मतलब था कि जिस टाइम पर ये लोग इस बेचारे ग्रेग को लपेट कर यहाँ बेंच पर डंप करने के लिए लेकर आए थे उस टाइम पर ये ग्रेग जिंदा था। अब आप सोच कर देखिए कितनी भयंकर मौत बेचारे ग्रेग को मिली। उसको तो समझ भी नहीं आया होगा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ, और जिससे वो मदद की उम्मीद कर रहा था वो तो उसकी जान लेने के ऊपर उतारू हो चुके थे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जिस दिन इन्होंने इस लाश को ठिकाने लगाया उसी रात ये तीनों लोग वापस उस जॉयज क्लब में गए, आराम से पार्टी वार्टी कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ शॉन्टे ने अपनी गाड़ी को उसी गैराज के अंदर बंद करके रखा। ये बात सिर्फ इन तीनों लोगों को बता दी। शॉन्टेन इन दोनों को बोल दिया था, टी फ्राई और क्लीट को, कि ये बात जो भी हुई है इसके बारे में कभी भी किसी को मत बताना, अगर बताया तो तीनों फंस जाएंगे। अब आपको भी पता है कि सोफी में रहते हुए यानी कि बिना नशे में रहते हुए ये बात कोई किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लाल परी अंदर गई तो हो ना हो अंदर वाली बातें तो फिर बाहर आती ही हैं। दुख भी हो सुख भी हो, लाल परी अंदर जाने के बाद सब बाहर आता है। और यहीं पर टी फ्राई से गलती हो गई, उसने दारू पीकर अपनी एक फ्रेंड मिरांडा के सामने सारी बातें बता दी कि आखिर उन्होंने उस रात क्या किया था। जैसे ये बात मिरांडा को पता लगी तो उसको समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। उस टाइम पर तो उसने इग्नोर कर दिया, और तकरीबन 4 महीनों बाद यानी कि फरवरी 2002 में उसने पुलिस वालों को कॉल किया और कहा कि जनाब अभी भी वो गाड़ी शॉन्टे ने अपने घर से बाहर नहीं निकाली है, आप जाकर उसके घर पर देखिए, आपको वो गाड़ी वहीं पर मिलेगी, उसके अंदर वही एक्सीडेंट वाले निशान मिलेंगे, उसका विंडशील्ड आपको टूटा हुआ मिलेगा, आप जाकर सब कुछ पूछ सकते हैं शॉन्टे से ही। और जैसे ही पुलिस वाले अंदर पहुंचे उसके गैराज में वही गाड़ी खड़ी हुई मिली। शॉन्टे को गिरफ्तार किया गया, क्लीट को गिरफ्तार किया गया और साथ ही टी फ्राई को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों से पूछताछ शुरू की गई, तीनों ने आराम से जो भी उस रात हुआ था सब कुछ पुलिस वालों के सामने रख दिया, जिसके बाद टी फ्राई सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई इस शर्त पर कि उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह माना कि हाँ ठीक है उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, बट वो इन दोनों के खिलाफ गवाही देगी। टी फ्राई ने गवाही दी कि इन दोनों ने ही मिलकर ये सारा कांड किया। शॉन्टे को कोर्ट द्वारा 50 सालों की सजा सुनाई गई और वो 25 सालों के बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकती है, यानी कि 2002 में सजा सुनाई गई थी, 2027 में वो पैरोल के लिए अप्लाई करके बाहर आ जाएगी। अभी भी वो वहीं टेक्सस की एक जेल के अंदर बंद है। इसके अलावा क्लीट को 10 सालों की सजा सुनाई गई। इस मर्डर में उसका भी हाथ था, अगर वो चाहता तो ग्रेग को बचा सकता था, बट ये सारा का सारा मर्डर का इल्जाम इस शॉन्टे के ऊपर ही गया। अब आप यहाँ सोच कर देखिए कि इस पूरे कांड के अंदर आखिर हुआ क्या। एक व्यक्ति बिना बात के मारा गया, एक बेघर व्यक्ति जिसका कोई मतलब नहीं था इस शॉन्टे के साथ, वो तो बेचारा अपने दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगा हुआ था कि कहीं से उसको कोई काम धंधा मिल जाए, कोई उसको प्यार कर ले, कोई उसका घर बसा दे, कोई उसको नौकरी दे दे, वो इस जुगाड़ में था। लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि एक मौत सामने से चलती हुई आ रही है और फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाकर उसको भी साथ ही अपने अंदर डालकर ले जाएगी और उसके बाद वो मर जाएगा। मैं ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि इस पूरे कांड के अंदर ग्रेग नहीं मरता अगर उसे सही टाइम पर उसको मदद दे दी जाती, बजाय ये तीनों लोग उसको उस पार्क में डंप करने की बजाय किसी हॉस्पिटल में उस टाइम पर भी ले जाते तब भी ग्रेग बच जाता। लेकिन इन तीनों को शायद ये डर था कि अगर इस टाइम पर लेकर जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हमको पुलिस वाले झपलेंगे। लेकिन इनको ये कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगर बाद में ये व्यक्ति मर गया और इसके मर्डर का इल्ज़ाम इन तीनों के ऊपर आ गया तो बाद में कितनी सजा होगी, इनको कुछ आइडिया नहीं था। खैर, जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है, और इसीलिए सभी कहते हैं नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। इससे ना सिर्फ आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि सामने वाले की जान भी आपके हाथ में होती है, उसको कुछ हो जाए तो उसका भी इल्जाम आपके ऊपर ही आएगा। ऑब्वियसली आना भी चाहिए, आप गलत हैं सामने वाला गलत नहीं है। खैर, आपको इस केस से रिलेटेड कुछ फोटोज है जो यहाँ मैं नहीं लगा सकता, एक्चुअल सीन की फोटोज हैं, वो मैं आज रात को या फिर कल सुबह मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगा दूंगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इसी तरीके की स्टोरीज कुछ रील्स में भी डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें, वहाँ मुझसे बात भी कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट तेज सुबह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।